साथ साक्षी आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलिया और रणबीर की घर आई नन्ही परी की। जी हाँ यार, रणबीर के घर नन्ही परी आ चुकी है, बेटी को जन्म दिया है आलिया ने और यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक है और अब अस्पताल नानी और दादी पहुंच रही है। जी हाँ, बच्चे की नानी दादी नहीं तो सिंह दादी बन चुकी है, तो वही यहाँ पर जो है आलिया भट्ट की माँ भी यहाँ पर बन चुकी है नानी और दोनों दादी और नानी अपनी पोती और नातिन से मिलने अस्पताल पहुंच चुकी है। रियलाइंस अस्पताल में आलिया की डिलीवरी हुई है। हर कोई हैरान था कि आज शायद डिलीवरी हो या कल हो, हर किसी को इंतजार था। फैंस की नजरें आलिया रणबीर पर थी, लेकिन जिस तरह से खुशखबरी आई यहाँ परिवार बहुत खुश है। कपूर खानदान में खुशियों की लहर लौट आई है। अप्रैल में ही दोनों की शादी हुई और नवंबर में 6 नवंबर आज बेटे को आलिया ने जन्म दे दिया है। खुशी जो है यहाँ पर फैंस कमेंट सेक्शन में जता रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार जो है यहाँ पर तारीफ, यहाँ पर हर कोई आलिया और रणबीर को कॉन्ग्रेचुलेट करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इट्स अ गर्ल करके यहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई ये खुशखबरी शेयर कर रहा है। और आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचे थे सुबह ही, 8 बजे की बात है अस्पताल पहुंचे और यहाँ दोनों मम्मी पापा बन चुके हैं। फैंस लगातार कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सबको इंतजार है कि रणबीर और आलिया के बेटे का नाम क्या होगा। बहुत जल्द नाम का खुलासा हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि किसी ने हैशटैग रन आलिया करके, जो कि एक हैशटैग है, प्रेडिक्शन कर दिया कि शायद रन आलिया उसका नाम रखा जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है, कुछ तो सोचा होगा यहाँ रणबीर आलिया ने कि वो क्या नाम रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रणबीर और आलिया के बेटे का नाम उन दोनों से रिलेटेड क्या हो सकता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या नाम दोनों रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंस की मौजूदगी इतनी तो रहती होगी कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए फैंस बता सके। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।